हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि भैया डेटा स्ट्रक्चर स्टैक के बारे में आज अपन जो है बात करने वाले हैं। एक बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज एक्चुअली अ स्टैक, एक रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल के साथ मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। इस सवाल का जवाब आप तक पहुंचाने की इस वीडियो के माध्यम से कोशिश मेरी यहां पे रहने वाली है। चीज़ों को काफ़ी सिंपल डाउन में रखने वाला हूं। अब रियल लाइफ एग्जांपल जो है स्टैक का, ये मैं जो आपको देने वाला हूँ बड़ा सिंपल सा यार। अपन सबके घर में देखो यार, किचन में डब्बे होते हैं, है कि नहीं? कुछ ऐसे डब्बे होते हैं, देखो है ना, ऐसे डब्बे होते हैं। अब इसके अंदर अपन अलग अलग चीज़ें रखते हैं। अब मुझे बिस्किट्स बहुत पसंद है, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर बिस्किट रखता हूँ। तो बिस्किट के पैकेट, मराठी में बोलते हैं बिस्किटचा पुडा, तो बिस्किटचा पुडा मैं याच्यात ठेवणार आहे। अभी मेरे पास बहुत अलग अलग तरीके के बिस्किट्स हैं, ओके, अलग अलग ब्रांड्स के बिस्किट हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें बिस्किट रखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कैसे रखूंगा इसको जरा देखना कि हाउ आई एम एक्चुअली पुटिंग द बिस्किट पैकेट्स इन टू द ओके दिस पर्टिकुलर डब्बा। तो सबसे पहले तो भैया मैं यहाँ पे मेरा एक समझ लो B1, ये पहला बिस्किट का पैकेट है, अलग कुछ ब्रांड होगा उसका, ये मैंने रख दिया। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया B2, दूसरा बिस्किट का पैकेट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डाल दिया B3, तीसरा बिस्किट का पैकेट, और फिर फाइनली डाल दिया चौथा। बस इतने हैं भैया, 4 बिस्किट के पैकेट जिसके अंदर बैठ गए। अब बेसिकली ये जो है ना, ये जो आपको सामने दिख रहा है, एक के ऊपर एक जमा के रखना, इसी को बेसिकली हम लोग कहते हैं स्टैक। इसी को अपन कहते हैं स्टैक, ओके। बचपन में अपन नहीं खेलते थे, वो अपने को बॉल मारना रहता था, कुछ इस तरीके से अपन एक के ऊपर एक पत्थर रखते थे। फिर यहाँ से भैया कोई तो एक ऐसा पत्थर लेता था और थ्रो करता था और ये टूट जाता था, ओके, और तब तक भाई सब भागते रहते थे और अपने को ये जमाना पड़ता था, वापस स्टैक अप करना पड़ता था, बराबर है। तो ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर है ना, इसी को अपन स्टैक बोलते हैं। अब जरा अपन इस एग्जांपल पे आ जाते हैं, बिस्कुट वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं। तो यहां मैंने किया क्या, ओके, यहां मैंने किया क्या, एक एक करके मैंने यहां पे जो है अपने बिस्किट पैकेट रखे। तो यहां ये जो बिस्किट पैकेट है, दीज आर नथिंग बट अवर डेटा, ये अपना डेटा है, या फिर अपन इसे कह सकते हैं स्टैक एलिमेंट, डेटा एलिमेंट, जो कहना है कह लीजिए। सो दिस इज नथिंग बट वन डेटा एलिमेंट, ओके। अब इनिशियली क्या हालात थी, इनिशियली जो आपका डब्बा था वो क्या था, इट वॉज एम्प्टी, ओके, इसके अंदर कोई नहीं था। और यहाँ एक टर्म होती है, बेसिकली यहाँ पे एक टर्म होती है जिसे अपन बोलते हैं टॉप ऑफ स्टैक, कि भैया स्टैक में सबसे ऊपर कौन है, ओके, सबसे ऊपर कौन है। अब इनिशियली आप क्या बोलोगे, इनिशियली कोई नहीं है, कोई डेटा आइटम नहीं है, कोई स्टैक आइटम नहीं है। तो यहाँ पे इनिशियली आपका टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, एम्प्टी है, क्या है वो, सीधा एम्प्टी है। बट जैसे ही आपने यहाँ पे B1 रख दिया, डब्बे में जो पहला बिस्किट का पैकेट है वो डाल दिया, तो अपन इसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज पुश ऑपरेशन। दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं, इनके बारे में बड़े डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करने वाले हैं, बट इनका बेसिक जो मीनिंग है वो जरा जान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने एक डेटा आइटम को स्टैक में डाला, या फिर यहाँ पे अपने डब्बे में हमने बिस्किट पैकेट 1 को डाला, ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पुश करना। क्या करना, पुश करना, कि हमने क्या किया भैया, बिस्किट का पैकेट लिया और यहाँ पुश कर दिया, मतलब अंदर डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, इसे कहते हैं पुश करना, सही बात है। अब मुझे क्या करना है भैया, ये वाला बिस्किट पैकेट ना थोड़ा सा फ्रेजाइल है, मतलब अगर इसके ऊपर थोड़ा लोड पड़ जाएगा बाकी दूसरे बिस्किट पैकेट्स का, तो ये क्या हो सकता है, इसके बिस्किट्स टूट सकते हैं, तो फिर क्या मजा फिर बिस्किट खाने में, ओके। तो मुझे क्या करना है, मैंने गलती से इसको पहले डाल दिया, अब मुझे इसको निकालना है, बाहर निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं, मुझे इसको सबसे ऊपर रखना है, लेट्स से ये जो स्टैक बना है ना, मुझे यहाँ B1 को लास्ट में नहीं रखना, सबसे ऊपर रखना है। तो मैं क्या करूँगा भाई साहब, सबसे पहले तो इसको निकाल लूँगा, और इसे कहते हैं पॉप करना। क्या करना, पॉप करना। तो पुश और पॉप समझ में आ गया, पुश मतलब अंदर डालना किसी एक डेटा आइटम को, और पॉप करना मतलब क्या, कि यहाँ पे बेसिकली जो आपका टॉप ऑफ द स्टैक होगा वो एलिमेंट को पॉप करना। हमेशा याद रखना कि जब भी आप स्टैक में पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो हमेशा जो आपका डेटा एलिमेंट या स्टैक एलिमेंट टॉप ऑफ द स्टैक होता है वही निकलता है बाहर, और कोई नहीं निकलता। अब मान लो यहाँ पे अगर इसके ऊपर B2 होता, समझ लो B2 होता और मैं पॉप परफॉर्म कर रहा हूं, तो B1 निकलता है, B2 निकलता, क्यों, बिकॉज वो टॉप ऑफ द स्टैक है। समझ में आ गया कि व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड, कि भैया आपको अगर पुश करना है, पॉप करना है, और अगर पुश भी अगर आपको करना है तो वो कहां होता है, समझ लो मुझे यहां पे B3 मेरा पैकेट है, ओके, यहां से मुझे कुछ पॉप वगैरह फिलहाल तो करना है नहीं, ओके। मान लो यहां पे टॉप ऑफ द स्टैक मेरा क्या है, B2, मतलब स्टैक में सबसे ऊपर कौन सा डेटा एलिमेंट है, B2 है,
बिस्किट का पैकेट 2 बराबर है। अब मुझे इसमें B3 डालना है, B3 डालना, तो B3 कहाँ डालूंगा, B1 के ऊपर जाएगा या B2 के ऊपर जाएगा, हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक डेटा एलिमेंट के ऊपर आपका न्यू एलिमेंट इंसर्ट होगा या फिर पुश होगा, तो वो जाएगा सीधा सीधा यहाँ पे और यहाँ पे आपको B3 जो है भाई साहब देखने को मिल जाएगा। बड़ी सिंपल सी आइडिया है। अब मेरा एक सवाल है बेसिकली कि ये जो मेरा स्टैक अभी यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है, अब अगर मुझे इसमें से निकालना है मेरे बिस्किट के पैकेट, मुझे अगर B1 निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। मुझे अगर B1 निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सिंपल सी बात है, आप डायरेक्टली B1 नहीं निकाल सकते। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, पकड़ में आ रही है, आप डायरेक्टली B1 नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले B4 को पॉप करना पड़ेगा, ओके, फिर उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक आपका B3 होगा, फिर B3 पॉप होगा, फिर उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक B2 होगा, फिर B2 पॉप होगा, एंड फाइनली उसके बाद सिर्फ एक ही बिस्किट का पैकेट आपके डब्बे के अंदर होगा जो खुद टॉप ऑफ द स्टैक होगा B1, और फिर आप उसको पॉप कर सकते हो, तभी जाके आप जो है B1 को पॉप कर सकते हो, जब उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स जो है वो सारे एटम्स जो है बेसिकली आपके डेटा एटम्स वो आप पॉपअप कर चुके होंगे। अब ये जो पूरा कार्यक्रम अपना हुआ है इसे हम लोग 4 शब्दों में डिस्क्राइब कर सकते हैं। कौन से भैया वो 4 शब्द, फर्स्ट इन लास्ट आउट। बात समझ में आ गई, मतलब जो सबसे पहले अंदर गया था वो आखिर में बाहर आता है, सिंपल सा मतलब। ये मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले अंदर कौन गया था स्टैक में, B1 गया था, सही बात है, सबसे पहले B1 गया था, और वो निकला कब, सबसे आखिर में, क्यों, बिकॉज उसके ऊपर जितने आइटम्स थे उनको पहले पॉप करना पड़ेगा और आखिर में भैया यही बचेगा और फिर ये आखिर में ही निकलेगा, इसीलिए जो पहले जाता है वो आखिर में निकलता है, ये आपका नियम है स्टैक का। इसे आप ऐसे कह सकते हो, या फिर एक और तरीका है इसी बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का 4 शब्दों में, वो क्या है, वो है भैया सिंपल सी बात है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब अभी अपन B1 नहीं, अपन अभी B4 में इंटरेस्टेड है, लेट्स से, क्यों, बिकॉज लास्ट इन मतलब सबसे लास्ट आपने स्टैक में किसको डाला है, B4 को, चौथा जो बिस्किट का पैकेट था उसे अपन डब्बे में डाला है, बराबर है, तो ये लास्ट में गया है तो ये कब निकलेगा, फर्स्ट निकलेगा, तो जो लास्ट गया है स्टैक में वो सबसे पहले निकलेगा, ऐसे आप कह सकते हो स्टैक का वर्किंग, या फिर जो सबसे पहले गया है वो सबसे आखिर में निकलेगा, जैसे कि B1 इस केस में, इसे आप स्टैक का बिहेवियर या वर्किंग फ्लो कह सकते हो। स्टैक नाम की मूवी का ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है, बहुत सारी चीजें, बहुत अमेजिंग फैक्ट्स, ऑपरेशंस रिगार्डिंग द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इन अपकमिंग वीडियोस हम लोग देखने वाले, सीखने वाले, समझने वाले। हाल फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।